तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज का जो वीडियो है यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक टूल लेकर के आया हूँ जिसका कि नाम है दोस्तों KMO मोबाइल टूल। और इस टूल को जो है आज हम इंस्टॉल करके और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको यूज करना है, जो कि ये टूल जो है 110% वर्किंग में है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, नीचे जो है वीडियो के नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक पर जा करके आपको डाउनलोड कर लेना है इस टूल को। उसके बाद जो है डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का जो है ये देखेगा, इसको यहाँ पे जो है जैसा राइट क्लिक करके और यहाँ पे हमें फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये फाइल पहले से मेरे पास एक्सट्रैक्ट होके पड़ा हुआ था, तो चलिए हम इसको यहाँ पर फिर से कर लें। जब इसको आप इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह से खुलेगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जा करके फिर से आपको एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देख सकते हैं फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से खुलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि KMO मोबाइल टूल जो है वर्जन कुछ 1.2.0 है और LibUSB ड्राइवर है और QCOM MTK ड्राइवर का सेटअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो हमें करना क्या होगा, आगे जो है यहाँ पर हमें ऊपर वाला जो लिंक है उसको हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद जो है ये फाइल मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाना है, इस पर साइड में जो है राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्टर कर लेना है और यस कर देना है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये टूल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद जो है यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है, यहाँ पे हमें क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट पे क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे जो है ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा समय आपसे लेगा, ज़्यादा तो नहीं लेगा बट थोड़ा सा समय लेगा। तो यहाँ पे जो है ये कंप्लीट इंस्टॉल मेरा हो चुका है। उसके बाद जो है हमें करना क्या होगा, यहाँ पे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद जो है ये थोड़ा सा समय ले रहा है ओपन होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि इस टूल को यूज करना बिल्कुल नॉर्मली है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। कुछ इस तरह से आपके सामने जो है ये ओपन हो जाएगा। एक बात आप लोगों के साथ में इससे पहले कि यहाँ पे ये ओपन तो हो चुका है, लेकिन मेरे कई ऐसे भाई हैं जो कि करते हैं क्या यहाँ पर गलती एंटीवायरस को जो है ऑफ नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका टूल जो है वो रन नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है आप एंटीवायरस को डिसेबल कर लीजिए, उसके बाद ही इसको इंस्टॉल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये KMO मोबाइल टूल जो है ओपन हो चुका है कुछ इस तरह से। उसके बाद जो है यहाँ पे दो टैब खुला है, फर्स्ट में जो क्वालकम रिपेयर टूल और सेकेंड में जो MTK रिपेयर टूल। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर क्वालकम रिपेयर टूल को ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मली इजी वे वन क्लिक में ओपन हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्रांड, तो यहाँ पे ओप्पो वीवो शॉमी का कुछ ये ब्रांड हमें मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ओप्पो वीवो और शॉमी तीन ब्रांड हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ओप्पो को देखते हैं इसमें कौन कौन सा मॉडल है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए ओप्पो का कुछ ये मॉडल सब इसमें एड है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब मॉडल जो है दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए F1A57 तो दोस्तों आपको फ्री में मिल रहा है, यहाँ पे तो आपको पे करना नहीं होता है। तो जो भी मॉडल रहा वो मिल रहा है वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेकंड में यहाँ पे जैसे कि ओप्पो का यहाँ पे तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ, सेकेंड में चलते हैं वीवो का, तो वीवो का भी यहाँ पर देख लीजिए ये सब मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। देख लीजिए क्या है इसमें Y55, Y53, Y51, जो कि मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर भाई हैं जो कि हमें कॉल भी करते हैं कि मेरा Y53 है या Y51 है, अनलॉक कर दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे इस टूल के माध्यम से आप अनलॉक कर सकते हैं, इस टूल को डाउनलोड कर लीजिए।
सेकंड में चलते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो आता है Xiaomi का। तो Xiaomi का जो मिल रहा है हमें कुछ इस तरह से, ये मॉडल सब Xiaomi का हमें इसमें मिल जाता है, देख लीजिए दोस्तों। जो भी है वो आप डाउनलोड करके, ज़्यादा MB का फाइल है नहीं, मात्र 230 MB का है, तो इसको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। जो कि Xiaomi में कुछ एक्स्ट्रा मॉडल हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे 7A, Redmi 8, 8A, Redmi 9 Power, ये सब मॉडल हमें इसमें देखने को मिल रहा है। और आप लोग एक बार डाउनलोड करके और एक बार यूज करके देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपका कुछ, आपके पास ये कोई ऐसा फ़ोन आ जाए और आप इससे अनलॉक कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मॉडल सेलेक्ट करने के बाद जो है आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोई भी मॉडल आप सेलेक्ट करके EDL में कनेक्ट करके फ़ोन को, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हम वीवो का लेते हैं, तो वीवो का Y53 ही ले लीजिए, Y53 लेते हैं। और यहाँ पे जो है EDL पॉइंट होता है दोस्तों, जो कि गूगल पे आपको सर्च करने से मिल जाएगा। गूगल पे सर्च जब आप करेंगे कि Vivo Y53 EDL पॉइंट, तो आपको दिख जाएगा। वहाँ से शॉर्ट करके डाटा केबल कनेक्ट करना है, और नॉर्मली यहाँ पे आप फॉर्मेट अनलॉक कर सकते हैं, वाइप डाटा कर सकते हैं, FRP कर सकते हैं, या मान लीजिए आपके पास कोई Xiaomi का फ़ोन है तो उसमें MI अकाउंट होता है, वो बाईपास कर सकते हैं। देख सकते हैं ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट MTK में, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम MTK रिपेयर टूल को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कि CPU हमें दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे चलते हैं हम आगे। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MTK रिपेयर टूल के अंदर जो है Asus का है, हवाई का है, यहाँ पे मैजू करके कुछ है, मेट्रोला है, नोकिया है, ओप्पो है, रियलमी है, टेक्नो है, वीवो है, वीको है, Xiaomi है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि ओप्पो का चलते हैं, तो ओप्पो का कौन कौन सा मॉडल हमें मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ओप्पो का भी इसमें बहुत सारा लेटेस्ट मॉडल हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे यदि आप MTK का यदि अनलॉक करना चाहते हैं, तो इस टूल को अवश्य डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री में जो काम में फ्री में हो जाएगा, उसमें पेमेंट लगाने का क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि UMT के अंदर भी बहुत सारा ये मॉडल सब एड है, देख लीजिए दोस्तों, A1, A12, A15 सबका CPH दिए हुआ है। आगे में जो होगा A1K का भी है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, A31, A54, ये सब मॉडल जो है इसके अंदर एड है। तो और नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे नीचे, जैसे कि F11 है, F11 Pro है, F15 है, F17 है, ये सब मॉडल जो है यहाँ पे बहुत सारा लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक बार इस टूल को अवश्य डाउनलोड करके ट्राई कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कितना सारा मॉडल हमें दिख रहा है ओप्पो में। उसके बाद जैसे कि वीवो में चलते हैं, तो वीवो में भी हमें बहुत सारा मॉडल देखने को मिल ही जाएगा। तो वीवो में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास भी दिख रहा है, ये वीवो का V15 है, V11 है, और भी Y12 है, Y12S है, Y15 है, ये सब मॉडल हमें इसमें देखने को मिल रहा है। और नॉर्मली जो हमें अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चलने वाला फ़ोन है Y91 और 91i, सब फ़ोन जो है बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में वैसे भी आ रहा है फ़ोन। और यहाँ पे Y15, Y17 भी आप इससे अनलॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। जो कि नॉर्मली यहाँ पे आपको करना क्या होगा, फ़ोन को जो है ऑफ़ करके ऑफ बाईपास पे क्लिक करना है। जब आप ऑफ बाईपास पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे हम कोई ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर नॉर्मली आपको Y91i लेते हैं, और यहाँ पर ऑफ बाईपास पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है हमें बताया जा रहा है, प्लीज़ USB कनेक्ट होल्ड वॉल्यूम पावर ऑफ करके और वॉल्यूम डाउन अप बटन को दबा करके यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, जिससे कि आपका ऑथ बाईपास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। FRP है तो FRP कर सकते हैं, या तो डाटा फॉर्मेट करना है, या अनलॉक रीसेट जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो आप कम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो ये छोटा सा वीडियो था, ये बस यही टूल के ऊपर था। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें दोस्तों। और एक बात कहना चाहूँगा कि इस टूल को अवश्य आप लोग एक बार डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए, क्योंकि जेन्युइन ये टूल है। जो भी मॉडल इसमें दिख रहा है वो आपके साथ आप अनलॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू टूल के साथ, न्यू वीडियो के साथ।